टांडा अखनूर के रहने वाले जोगेंद्र पाल ने बताया कि वर्ष 2005 में वे पीडीडी डिपार्टमेंट में डेली वेजर्स लगे थे और वर्ष 2017 में काम के दौरान बिजली की करंट लगने से उनकी दोनों बाजुएं चली गई। तब से लेकर आज तक ना ही उनके डिपार्टमेंट और ना ही प्रशासन ने उनकी कोई सुध ली। उनके घर के हालात भी बहुत खराब हैं और वे भी पूरी तरह से लाचार हैं और ऐसी लाचारी की हालत में उन्हें और उनके परिवार को दाने दाने के लिए तरसना पड़ रहा है। इन महीने बाद उन्हें ना आज तक कोई तनख्वाह देती है, ना उन्हें कोई मेरे बच्चे के बारे में पूछा भाई क्या करा दे, पढ़ा दे नहीं पढ़ा दे, ना उन्हें कोई असें कोई सरकार पास मदद हुई है, अस बिल्कुल गै तबाह हुई हैं। उसके बाद बिच जी मेरी 150 रुपये साहब कहीं 4500 रुपये महीने तनख्वाह देंगे, उन्हें वह भी बंद करी ओड़ी। वो आखते कि मैं जाता उनके को जेई कोला लीए चीफ तक गया, मेरी कुसै ने सुनाई नहीं की, आखिर घर टुरी आ तो कोई तनखा नहीं है, तू बेकार बंदा जा घर, इतने रोज उन्होंने अं परेशान करना होना, साढ़े को घर जाइए वो असं कम करते, उन्हें कुछ नहीं मेरा किया अज तक। फिर मैं अकल के ना तुम लिखाइए ली आओ कुछ मंत्री को कुछ को लिखाइए लिया, मैं निर्मल सिंह को गया, उन्हें मेरी अपॉइंटमेंट की हुई है, फिर भी उन्हें मैं दसी आओ आखिर किस नहीं होंगे, उन्हें आखो तो जो तुम अपॉइंटमेंट लिखी दी है तुम्हें परमानेंट लाया की नहीं लाई आओ, उन्हें आखो तुम लाओ इतने कुछ नहीं है चली जाओ घर। अज मेरी यह स्थिति है कि 3 साल को लीए मेरे पापा आटा में मंगी है लोगों को गुजारा किया, बच्चे ही पैंसिल होंगी कापी नहीं होंगी, कापी होंगी पैंसिल नहीं होंगी, मेरी इन्नी स्थिति है लमारी कुछ ना बड़ी मुश्किल करने गुजारा किया, गरीबी एक ऐसी रेखा है लाचार बेबस करी दी है, मैं एक इंसान हाँ बेबस हो गया, मैं जीने जी खत्म हो गया। गवर्नर साहब अगे भी पी के मेरे परमानेंट नौकरी दीती आ, जो मेरा कंपनसेशन बनता वो दिता जा, क्योंकि मेरे बच्चे का गुजारा या मेरे बच्चे पढ़ी लिख सकते।